नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, जनरली पनीर की सब्जी का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पाइसी ग्रेवी फुल सब्जी का ख्याल आता है, लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल, आसान और क्विक, झटपट सी बनने वाली पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो हेल्दी तो है ही और साथ में बहुत टेस्टी भी है। और बनाना उसको इतना आसान है कि बिगनर्स भी उसे बड़े आराम से बना लेंगे। झटपट करीब 5 से 6 मिनट में ही वो बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक ये बड़ी कैप्सिकम, जिसको मैंने चौकोर पीसेस में काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। 2 टमाटर हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। और 200 ग्राम पनीर है, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन को मैंने गैस पर रख लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, मैं इसमें डाल दूंगी 1 तेज पत्ता 2 टुकड़ों में करके। इसमें इस तेज पत्ता को डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है हमारी सब्जी में आ जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ना डालें। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और 1 मिनट जीरा चटकने तक भून लूंगी। जैसे ही हमारा जीरा भुनता है, मैं इसमें डाल दूंगी अपनी कटी हुई प्याज। और इन्हें भी 2-3 मिनट तक मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लूंगी। देखिए, हमारी प्याज हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट होने लगी है। बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी कैप्सिकम, और इन दोनों को मिलाकर कैप्सिकम को हल्का सॉफ्ट होने तक मैं भून लूंगी। ये सब्जी दोस्तों इतनी झटपट बनकर तैयार हो जाती है, ना आपको कोई एडिशनल मसाले की जरूरत है। जो नॉर्मल बेसिक मसाले हम डेली यूज करते हैं, बस वही मैं इसमें डालूंगी। और टेस्ट आप इसका देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट इसका लगता है। देखिए, मुझे इन्हें भूनते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं। हमारी कैप्सिकम भी हल्की सॉफ्ट होने लगी है और प्याज भी हमारी हल्की हल्की गुलाबी होने लगी है। बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और 1 से 1.5 मिनट भून लें, जिससे सारे मसालों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। देखिए, मैंने इसे करीब 2 मिनट तक और भून लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब मैं इन्हें टमाटर के हल्के सॉफ्ट होने तक पका लूंगी। आप चाहें तो इस समय 2 मिनट के लिए इसका लिड लगा दीजिए, हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। बस 2 मिनट के लिए सिम गैस पर इनको पकने दीजिए। देखिए, करीब 2 मिनट हो गए हमारे टमाटर को पकते हुए। चेक कर लेते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इस सब्जी को एक चटपटा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच टोमेटो केचप। मैंने 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डाला है, इससे बहुत ही चटपटा सा एक टेस्ट आ जाता है इसमें। बस अब जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए। मैंने बिल्कुल थोड़ा, करीब 1/4 कप के करीब पानी डाला है इसमें। बस अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना पनीर और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसी स्टेज पर डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी महक हमारी सब्जी में आ जाती है। हल्का सा क्रश करके इसको आप डाल दें। और बस अब आप गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम करके इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकने दें, जिससे सारे जो मसाले हैं इनका फ्लेवर जो है हमारी सब्जी में आ जाए, हमारे पनीर में सारा फ्लेवर आ जाए। देखिए, करीब 3-4 मिनट हो गए हमारी सब्जी को पकते हुए और अच्छे से सारा फ्लेवर जो है हमारे पनीर में आ चुका है। बस अब आप लास्ट में डाल दें इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला। मैं करीब 1/4 चम्मच, बहुत थोड़ा सा ही गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर दें। ऊपर से डाल दें कटा हुआ हरा धनिया। बस आपकी सब्जी सर्व के लिए तैयार है। देखिए, हमारी टेस्टी क्विक झटपट पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी पराठा किसी के भी साथ खाइए, खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। और आपने देख लिया है कि बनाने में इसे बहुत ही कम टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।